गाइस कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवा और आप सबने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरह मैंने इस लैम्बोर्गिनी कार को एक इलेक्ट्रिक कार में तब्दील कर दिया था, जो कि काफी अच्छे से चली भी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख लें। तो आज की जो वीडियो है वो और भी कमाल की होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसमें एक इंजन लगाने वाले हैं जो कि टर्बो इंजन जैसा ही होगा। तो आपने देखा होगा एरोप्लेन या फिर जेट्स में एक नोजल लगी रहती है पीछे की साइड, तो वहाँ से थ्रस्ट निकलता है फायर का थ्रस्ट, जिससे कि जो एरोप्लेन है वो आगे बढ़ता है। तो वैसा ही कुछ हम इसके साथ ही करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इसमें भी एक इंजन लगा सकते हैं और क्या वो चलता है या फिर नहीं। तो आप वीडियो के लिए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस लैम्बोर्गिनी को रखते हैं यहाँ पर, और जो इसका इंजन बनने वाला है वो है ये जो बोतल है, यही है इसका इंजन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बोतल इंजन कैसे हो सकता है। तो गाइस मैंने इसी बोतल पर एक वीडियो बनाया था और बताया था कि आखिर हम किस तरह इस बोतल की मदद से इंजन बना सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आज देख लीजिए। तो गाइस अभी आपने जो देखा हम उसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे इसका इंजन बनाने के लिए। तो सबसे पहले इस बोतल को इसके अंदर यहाँ पर खाली जगह में लगा देते हैं और अच्छे से फिक्स कर देते हैं ताकि हिले डुले नहीं। और फिर ये जो इसका ढक्कन है इसको निकाल कर हम ये सैनिटाइजर इसके अंदर छिड़क देंगे, जो कि फ्यूल का काम करेगा। ठीक है, अब इसके ढक्कन को लगा देते हैं और इसका जो छेद है यहाँ पर इसके अंदर भी हम सैनिटाइजर डाल देते हैं, जिससे कि और अच्छे से चलेगा। अब हम इसको रख देते हैं और इसको जला कर देखते हैं क्या ये चल पाता है या फिर नहीं। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।